इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम, यस मैम, यस मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह पोजीशनिंग, पोजीशनिंग इन सर्जरी। कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जो हम पेशेंट को देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन कॉमन सर्जिकल पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। ऐसा तो नहीं होता कि हम हर एक पेशेंट को एक ही पोजीशन में हम लोग सर्जरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होती है पेशेंट को जो हम देते हैं, लेकिन वो पोजिशन ऐसी होती हैं जो पेशेंट के कम्फर्ट के अकॉर्डिंग, उस पर पेशेंट ज़्यादा कम, क्योंकि प्रोसीजर जो सर्जरीज होती हैं ऐसा तो है नहीं कि जो 1 मिनट की हुई या 2 मिनट की, काफ़ी टाइम की होती है, 1 घंटा, हाफ एन आवर, कितना भी टाइम ले सकते। तो सब पोजीशंस जो हम देते हैं पेशेंट को उससे इस तरह से देते हैं कि पेशेंट क्या है उससे डिसकम्फर्ट ना हो, एकदम कंफर्टेबली हो, ठीक है? और इसको आइडेंटिफाई एंड डेवलप अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट। आपको जो पोजीशन अभी हम सर दिखाने वाले हैं कि मैं समझाऊंगी मैं कौन कौन सी पोजिशन होती हैं, तो हमने पेशेंट को ऐसी पोजिशन देनी जिससे क्या है कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को ना हो। ये ना हो कि वो ऑपरेट के बाद उसको वो बैक पेन स्टार्ट हो गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई इंजरी ना हो, ठीक है? आपने पोजिशन गलत पोजिशन दे दी उससे क्या है पेशेंट को कोई और इंजरी होती है, वो इंजरी को ना हो पेशेंट को, इसलिए हम लोग पोजिशन क्या क्या यूज़ होती है वो आपको बताते हैं, हाँ ठीक है? और इससे सेफ्टी एंड सेफ गाइड पेशेंट हम लोग वेलबींग के लिए करते हैं। इंट्रा ऑपरेशन में पेशेंट की सेफ्टी के अकॉर्डिंग और जो सेफ गार्ड पेशेंट्स की होते हैं वेलबींग पेशेंट के लिए हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट की सेहत भी बनी रहे, हमारा ऑपरेशन भी हो जाए, पेशेंट कम्फर्ट में रहे, ठीक है? इसलिए हम लोग ये पोजिशन आपको बताते हैं। इससे क्या होगा प्रमोट, हमारा गोल क्या होगा पेशेंट पोजिशनिंग में, प्रमोट प्रॉपर फिजियोलॉजिकल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि पेशेंट किस तरह से लेटा हुआ है, प्रॉपर अलाइनमेंट जो होता है उसको प्रमोट करना, और इंटरफेरेंस विद सर्कुलेशन, ठीक है? मिनिमम इंटरफेरेंस विद सर्कुलेशन। अगर प्रॉपर पोजिशन नहीं होती उस सर्जरी के अकॉर्डिंग तो क्या होगा सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाती है। और प्रोटेक्शन ऑफ स्केलेटन एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, हम लोग ऐसी पोजीशन देते हैं, हमें पता होता है कि हमने इस तरह से पेशेंट को पोजीशन दी है तो इसका बोन्स कहाँ, किस स्केलेटन मसल्स कैसे होंगे या फिर न्यूरोलॉजिकल मसल्स नर्व्स कहाँ कहाँ पे होगी, तो वो चीज़ समझ में आती है, ठीक है? ऑप्टिमल एक्सपोजर टू ऑपरेटिव एंड एनेस्थेटिक साइट्स, ठीक है? और जो एनेस्थेटिया वाली साइट्स होती हैं वो कि हमें सब पता लग जाती है कौन कौन सी है एक्सरसाइज, कौन कहाँ पे हम ऐसे भी पेशेंट को दे सकते हैं। और पेशेंट को हम लोग कंफर्ट देते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, इस पोजिशन में जब भी कोई पेशेंट को पोजिशन देनी है उसमें कंफर्ट प्रोवाइड करना है और सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो अनकॉन्शियस है, चाहे वो सेमी कॉन्शियस है, चाहे वो कॉन्शियस है, लेकिन हमने उसकी जो डिग्निटी, हर पेशेंट की अपनी एक डिग्निटी होती है। डिग्निटी मीन्स क्या होता है, वॉट इज डिग्निटी? Anyone can tell me what is dignity? Shushti, what is dignity? Ma'am, dignity मतलब अपनी limit cross ना हो, मतलब limit में रहना। Limit, dignity. Limit, limit. और कोई बताएगा? मैम एक बॉन्ड बना होना चाहिए, मतलब एक लाइन होनी चाहिए कि इस लाइन से आगे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है सबके अंदर। यस मैम, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडिग्निटी, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप पेशेंट को यहाँ वहाँ फेंक रहे हो और पेशेंट को आप डीमोरलाइज कर रहे हो, उसको वर्बली कुछ ऐसा बोल रहे हो या फिर उसको अननेसेसरी टच कर रहे हो, तो वो क्या होगा उसके जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो हमने पेशेंट की डिग्निटी को ही मेंटेन करना है वाइल गिविंग द पोजीशन, ठीक है? और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हम लोगों ने पेशेंट की देखनी कि पेशेंट कहीं गिर ना जाए, ठीक है? क्योंकि अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, कि पेशेंट कहीं गिर ना जाए, उसकी सिक्योरिटी को प्रॉपर देखना ड्यूरिंग गिविंग द पोजीशन, ठीक है?
और हम लोग पेशेंट को नॉलेज और मैकेनिज्म्स के साथ करते हैं, पेशेंट को जितनी भी एक्सेसरीज होती है, ठीक है, कोई भी जैसे प्रिपेयर टेबल अटैचमेंट्स एंड एक्सेसरीज, हम पेशेंट के जितनी पेपर जो जो चीज़ें पेशेंट के सर्जरी के लिए हमें चाहिए होती है वो हम साथ के साथ रखते रहते हैं, ठीक है। फैमिलियर विद वेरियस पेशेंट पोजिशन फॉर ऑप्टिमल सर्जरी एसेस, हम लोग, हमें हर पोजीशन के लिए बताना चाहिए कि हाँ इस पोजीशन को ये पोजीशन देनी है। ये ना हो कि आपने सर्जरी स्टार्ट कर दी उसके बाद बोले ओ सर शर्ट ये पोजीशन नहीं देनी, या फिर डॉक्टर ने आके देखा अरे ये तो आपने गलत पोजीशन दे रखी है, फिर ऑपरेशन अनकॉन्शियस है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो डिले हो जाता है ऑपरेशन के लिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है और पेशेंट को क्या है करेक्ट पोजीशन दे के रखना है, और इंटरफेरेंस रेस्पिरेटरी मूवमेंट मतलब जो रेस्पिरेशन, ऐसे पोजीशन देनी है कि जो रेस्पिरेशन है वो बंद ना हो, ये कंटिन्यूस चलता रहे। और ये क्या है, पेशेंट पोजीशनिंग डिवाइस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है पेशेंट पोजीशनिंग डिवाइसेस जो होते हैं, वन विच आर प्राइमरी गियर टुवर्ड्स प्रेशर रिलीफ, वन विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड बेटर सर्जिकल साइट। दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेशर रिलीफ के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग कम्फर्ट पोजिशनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट का ऑपरेट हो गया उसके बाद पेशेंट, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है काफ़ी टाइम से, ठीक है, ऑपरेशन से अलग होता है ये, पेशेंट अनकॉन्शियस है उस कंडीशन में जहाँ जहाँ आपके क्या है बोन्स है, प्रोमिनेंट बोन्स प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पर आपके बोन्स क्या उभरे हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप एक ही पोजीशन में लेटे रहोगे तो क्या होगा, आपको पेन स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, ठीक है। मेनली कहाँ होती है, ऑक्सीपिटल में, अगर स्पाइन में लेटे हैं, ऑक्सीपिटल, आपके स्कैपुला, एल्बो, ठीक है, उनकी ये क्या होते हैं उभरे हुए स्केलेटल पार्ट्स होते हैं हमारे, तो पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, उसे कुछ पता नहीं है, उस कंडीशन में हम लोगों ने ऐसी चीज़ें नीचे से पिल्लो रख दिया पेशेंट के नीचे, जिससे क्या है और क्वार्टर रिंग्स आते हैं वो पेशेंट नीचे रखते हैं, ये कंफर्ट पोजीशंस होती है। और जो ये होते हैं सर्जिकल साइट्स पोजीशंस, ये हम लोग सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पोजिशनिंग ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, सुपाइन पोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बताऊँगी क्या होती है सुपाइन पोजिशन। हेक्स एक्सटेंडेड, नेक फ्लेक्स्ड, एम टू विलाइज ओरल। सुपाइन पोजिशन में क्या होता है, पेशेंट को हम लोग बिल्कुल ही लंबा लेटा देते हैं, ठीक है, और उसको पेशेंट को जो होता है पीठ के बल पेशेंट लेटा होता है, ये है सुपाइन पोजिशन, देख रहे हो आप लोग, पेशेंट बिल्कुल ही ये सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। इससे पेशेंट क्या होता है पीठ के बल लेटा होता है, ठीक है, इसके हेड के नीचे अगर हम कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखें, इसके हेड के नीचे एक पिल्लो होता है, ठीक है, और ये वाला एरिया स्कैपुला के नीचे एक पिल्लो होता है, हेड हम पिल्लो इस हिसाब से देते हैं कि उसका नेक और ये वाला जो इतना एरिया है जो मेरा जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, इतना एरिया जो है वो पिल्लो से थोड़ा कंफर्टेबल रहे, ठीक है। पेशेंट का स्कैपुला और जो ऑक्सीपिटल है वो हम सेफ करते हैं, फिर यहाँ पर एल्बो पे हम लोग रखते हैं क्वार्टर रिंग्स, ठीक है, फिर बटक्स के नीचे रखते हैं हम लोग पिल्लो, एक नी के नीचे एक पिल्लो रखते हैं जिससे क्या ये फ्लेक्स हो जाता है, ये सुपाइन पोजीशन होती है, ठीक है, जिससे पेशेंट का लंबे टाइम तक बैठ रहा है। इसमें क्या होता है, आर्म्स में प्लेस बिसाइड द बॉडी ऑन एन आर्म बोर्ड, यहाँ एक आर्म बोर्ड होता है ऑपरेशन इस पे, ठीक है, इस पे साइड पे ये पेशेंट के क्या है पेशेंट यहाँ पर लेटा रहता है, और ये पेशेंट को क्या है हम ये पेशेंट क्यों देते हैं, जब पेशेंट को लैप्रोटॉमी करनी हो, लैप्रोटॉमी क्या होता है, लैप्रोस्कोपी देखा है, सुना है आपने, यस और नो, सुना है आपने लैप्रोस्कोपी, बोलो कुछ तो बोलो, यस मैम, एक शॉर्ट ट्यूब होती है, मतलब जो अंदर इंसर्ट की जाती है लैप्रोस्कोपी में। लेप्ट्रोक्टमी में करते हैं हम लोग, एक इंसिजन देते हैं अपडामन में, जिससे क्या होता है हम लोग जितने भी मेजर सर्जरीज होती है अपडामन की वो परफॉर्म करते हैं लेप्ट्रोक्टमी में। गायनेकोलॉजिकल कोई पोजीशन करना हो इसमें, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, या ऑर्थोपेडिक भी कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट में क्या होता है, जैसे कोई वो करना हो, क्या बोलते हैं उसको, सिजेरियन सेक्शन करना हो,
ऑपरेशन आपने सुना होगा, सीएस, जब उसमें हम बच्चा डिलीवर करते हैं, बड़ा ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने कोई अब्डामन की सर्जरी करनी हो, या फिर कोई सीएस सर्जन सिजरियन सेक्शन करना हो, या ऑर्थोपेडिक कोई भी केसेस हो उसके रिगार्डिंग, क्या पेशेंट को हम लोग सुपाइन पोजिशन दें। फिर ये प्रॉन पोजिशन होती है, इसमें पेशेंट देखो ये जैसे बच्चा लेटा हुआ है, ऐसे ही हम लोग पेट के बल पेशेंट को लटाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रिय से हम बोलते हैं प्रॉन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन ये होगी पीठ के बल, और क्या पेट के बल जो होगी वो होगी प्रॉन प्रॉन पोजिशन, ठीक है। इसमें भी जो है ये होते हैं आर्म्स होते हैं, ये पेशेंट के चेस्ट से ऊपर होती है, ठीक है। और हम लोग पिल्लो वगैरह पेशेंट के चेस्ट में देते हैं, यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और आप जैसे दे रहे हो यहाँ पर देते हैं, तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबली होता है। ये जो पोजिशन होती है हम लोग कब करते हैं, जब पेशेंट की बैक की कोई सर्जरी करनी हो, सर्वाइकल कोई सर्जरी करनी हो, रेक्टल कोई सर्जरी करनी हो, या फिर डॉर्सल एक्सट्रीमिटीज की कोई सर्जरी करनी हो, तब हम लोग ये पोजिशन देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका ट्रेंडनबर्ग पोजिशन। इसमें पेशेंट का क्या होता है, जो हेड हेड होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और सिर्फ ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। ये वाला पार्ट बिल्कुल हेड एंड बिल्कुल नीचे चला जाता है, ठीक है। और सेंटर वाला पार्ट होता है, जो हेड होता है वो 15 डिग्री तक हम लोग नीचे कर देते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे सर्जरी सर्जरी करनी हो उसके लिए, ठीक है। और इसकी पेशेंट की जो आर्म्स होती है वो हम लोग चेस्ट के ऊपर भी रख सकते हैं, एज कम्फर्ट विद द पेशेंट, चेस्ट के ऊपर रख सकते हैं, या फिर जो आर्म बोर्ड होता है उसके ऊपर रख सकते हैं। और हम लोग ये जो पोजिशन है, ये हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोई भी सर्जरी होती है, या फिर पेल्विक और लोअर अब्डोमन की कोई सर्जरी होती है, मतलब ये आप देख रहे होंगे कि पेल्विक एरिया जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑपरेशन की चीज के लिए हमें चीज एरिया चाहिए वो हम थोड़ा ऊपर उठा कर रखेंगे कि जिससे हम कंफर्टेबल हो। तो पेल्विक एरिया जो होता है पेशेंट का वो थोड़ा ऊपर होता है इस पोजीशन में, और जो अबडमन होता है लोअर अबडमन होता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर होता है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ये पोजिशन देते हैं जब हम लोग पेल्विक के लिए या फिर जो लोअर अबडमन का कोई पोजिशन करना हो, ऑपरेशन करना हो, तब हम ये पोजिशन देते हैं। और रिवर्स ट्रायंगल बर्थ पोजीशन, रिवर्स में क्या होता है, हेड एंड ऊपर हो गया और इसमें लेग्स नीचे हो गए, ठीक है। और ये इसको हम लोग टेबल टिल्ट टू 5 to 10 degree रेज द हेड से 5 से 10 degree हम लोग ऊपर रखते हैं, और इसमें क्या करते थे 15 degree हम लोग नीचे रखते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग 5 से 10 degree ऊपर रखते हैं। ये रस्ट टेक्निक से हम बोलते हैं। और इसमें हेड जो होता है, हेड के नीचे क्या हम लोग को कोई हेड रिंग रख देंगे, ठीक है। और ये पेशेंट की जैसे हेड की कोई सर्जरी करनी हो या नेक की कोई सर्जरी करनी हो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। और ये स्टमक की जो रिगर्जिटेशन होती है उसको क्या है कम करता है। ये होती है लिथोटमी पोजिशन, ठीक है। ये होती है कौन सी, लिथोटमी पोजीशन। इस पोजीशन में हम लोग पेशेंट को सुपाइन में ही लेटाते हैं, और ये आर्म आर्म प्लेस करते हैं इसके ऊपर, आंटी के आर्म बोर्ड पर। लेकिन जो पेशेंट के लेग्स होते हैं वो थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ उठा देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर बांध देते हैं, ठीक है। ये जो लिथोटमी पोजिशन होती है ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं कोई भी यूरोलॉजी, ठीक है, या फिर पेशेंट के कोई भी यूरोलॉजी या गायनेकोलॉजी कर, क्या प्रीनियल एरिया या फिर नॉर्मल डिलीवरी या रेक्टल ऑपरेशन के लिए हम लोग ये क्या पोजीशंस यूज करते हैं। क्योंकि पेशेंट यहाँ डॉक्टर यहाँ पर बैठता है, इधर डॉक्टर बैठता है, तो जितना भी होगा प्राइवेट पार्ट के जो जितना भी ऑपरेशन करना हो या रेक्टल का कितना ऑपरेशन करना हो, तो पेशेंट डॉक्टर के लिए बहुत कम्फर्ट होता है उसको विजुलाइज कर, तो हम लोग ये वाला पेशेंट पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है लेटरल और किडनी पोजीशन। इसमें क्या होगा, लेटरल पोजीशन में पेशेंट को हम लोग साइड लाइन पोजीशन में लेटा देते हैं, इससे क्या जो किडनी का होता है पार्ट्स वो ऊपर होता है, जो सी किडनी को आपने ऑपरेट करना है या फिर विजुलाइज करना है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे कि हम लोग प्रॉपरली उसको देख सकते हैं। इसमें पेशेंट को ये लंबा पोजिशन होता है, तो हम लोग हेड के नीचे एक पिलो रखते हैं, यहाँ पर साइड लाइन पे पिलो रखते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग पेशेंट के नी के नीचे भी एक पिलो रख सकते हैं।
नेक्स्ट है नीचेस्ट पोजीशन। नीचेस्ट पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट को हम लोग प्रॉन पोजीशन में लेटाते हैं, लेकिन उसका जो लेग्स होते हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर पोजीशन में लेग्स जो है थोड़ा फ्लेक्स कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, पेशेंट के लिए हम कौन से पोजीशन, जैसे कोई सिग्मोइड स्कोपी करनी हो या लेक्टमी करनी हो प्रोसीजर, उस कंडीशन में हम लोग ये नीचे पोजीशन, या फिर रेक्टल की भी सर्जरी करनी हो तब ये पोजीशन हम लोग ये। नेक्स्ट है सेमी फॉलोवर। ये दो तरह की होती है, एक तो फॉलोवर पोजीशन होती है, एक सेमी फॉलोवर। फॉलोवर फॉलोवर पोजीशन वो बोलते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपरली सिटिंग में होते हैं, 90 डिग्री में बैठे होते हैं, हम उसको बोलते हैं फॉलोवर। और सेमी फॉलोवर में क्या होता है, हल्का सा पेशेंट लेटिंग लेटने वाले पोजीशन में होता है, 45 डिग्री तक होता है, ठीक है, लेट बैठा, ठीक है, उसका हम बोलते हैं सेमी फॉलोवर। तो आर्म्स जो होती है एज कम्फर्ट टू द पेशेंट, आगे या फिर किडनी कार्डिक टेबल हो उसके ऊपर, या फिर कोई आर्म बोर्ड हो उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं। ये हम लोग कोई भी जैसे ENT की कोई सर्जरी करनी हो, या करनी हो, ठीक है, या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की हो, शोल्डर की, उस कंडीशन में हम लोग ये पोजिशन करते हैं। ये भी नीचेस्ट जैकनीफाई पोजिशन जो होती है, ये भी नीचेस्ट की तरह होती है, लेकिन इसमें जो लेग्स होते हैं वो फ्लेक्स नहीं होते। नीचेस्ट में क्या था, नहीं लेग्स जो फ्लेक्स थे, इसमें लेग्स फ्लेक्स नहीं होते। और जोन सी पोजिशन हमें ऊपर चाहिए होती है, जैसे रेक्टल का कोई करना हो, या पेशेंट को कोई हेमरॉइड हो, बवासीर वगैरह हो, तो उस पोजिशन में हम यूज करते हैं। तो ये थी आपकी पोजिशनिंग जो हम लोग यूज करते हैं। एनी क्वेरी? नो मैम। मैम ये ENT है, क्या होता है ये? अच्छा ENT, आई नोज थ्रोट। कभी बोलते हैं ना आँख में कोई दिक्कत हो गई तो आप डॉक्टर के पास, आईज में कोई दिक्कत होगी, नोज में कोई दिक्कत होगी, थ्रोट के लिए कोई दिक्कत होगी, तो ENT का जो डॉक्टर होता है हम उसके पास जाते हैं। एनी ओके। क्वेरी, कोई क्वेश्चन?